नमस्कार, मैं गिरीश आप सभी का स्वागत करता हूँ हीरा एग्रो इंडस्ट्री में। आज मैं आपको रेनगन के बारे में जानकारी देने वाला हूँ, पूरा ए टू जेड। तो यह वीडियो क्यों बनाई, क्योंकि कई सारे यूट्यूबर भाइयों ने रेनगन के ऊपर वीडियो बनाई थी अभी एक दो महीने पहले, लेकिन उसमें 1.5 इंची की रेनगन के बारे में जानकारी दी थी। तो देखो, हमने कई वीडियो में आपको बताया है कि बड़ी रेनगन हर किसान भाई को अच्छी लगती है, क्योंकि वो बड़ा एरिया कवर करती है। लेकिन जब आप बड़ी रेनगन लेते हो तो उसके साथ आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि उसके लिए आपको मोटर भी बड़ी लगने वाली है, आपकी पाइपलाइन भी उतनी दमदार लगने वाली है, नहीं तो आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। तो हम रेनगन में इतने ज़्यादा सक्सेस क्यों है, क्योंकि हमने सबसे पहले से हमने आपको बोला है कि आप 1.25 इंची हमारी जो रेनगन है उसी का इस्तेमाल करो, क्योंकि रेनगन जितनी छोटी है उसमें अपना जो रेगुलर मोटर है, जो भी आपके पास मोटर है 3 HP 5 HP, कई किसान भाइयों के पास सोलर पे चलने वाली मोटर है, कई किसान भाइयों के पास डीजल इंजन है, तो वो सभी प्रकार के इक्विपमेंट पे यह रेनगन काम कर देगी। और आपकी पाइपलाइन PVC पाइप है, HDPE पाइप है, या कोई अभी यहाँ पे हमने रपेटा पाइप पे इसको लगवाया है, मैं दिखाऊंगा आपको। चालू एक चीज़ आपको बोल देता हूँ कि वीडियो के आखिर में मैं इसका लाइव भी आपको दिखाने वाला हूँ, तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो ये किसी भी प्रकार का पाइप आपके पास है तो उसके ऊपर भी यह रेनगन चल सकती है। नहीं तो ऐसा हो जाता है कई बार किसान भाइयों का कि ठीक है 10,000-15,000 की रेनगन को ले ली, लेकिन उसको चलाने के लिए 25,000-50,000 रुपये की मोटर बदलानी पड़ी, 30,000-40,000-50,000 रुपये की पाइपलाइन का खर्चा करना पड़ा, तो फिर फायदा क्या आपका। तो यही सभी चीज़ों को ख्याल में रखते हुए हम पहले से आप सभी किसान भाइयों को बोल रहे हैं कि जो छोटी रेनगन है, 1.25 इंची रेनगन है, कि जो 170-160 फीट के घेरे में गोलाकार में पानी देती है, उसी का आप इस्तेमाल करो, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। बड़ी रेनगन में आपको पाइपलाइन का, जो आपकी पाइपलाइन है वो अगर उतना दबाव सहन नहीं कर पाई तो आपको फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अभी कहीं मतलब किसान भाई क्या बोलते हैं कि सर आप बोल रहे हैं कि छोटी जो रेनगन है उसमें आपको 3 kg का प्रेशर का ज़रूरत है, और जो बड़ी रेनगन है उसमें भी 3 kg की प्रेशर की ज़रूरत है, फिर डिफरेंस कहाँ पड़ा। तो डिफरेंस यहाँ पड़ता है कि मान लो कि आप कोई कार लेके जा रहे और उसको आपको बोला कि 80 के स्पीड पे चलाओ, तो ठीक है वो अच्छे से चलती है, मतलब उसको 80 से 100 भी लेके गए तो भी चल जाएगी, 100 से 120 भी लेके गए तो चल जाएगी। लेकिन वही रास्ते पे वही परिस्थिति में अगर आपको बड़ी ट्रक दे दी 10 चक्का 12 चक्का जो फुल्ली लोडेड है, वजन है उसमें 20 टन 25 टन, और आपको बोला कि अभी इसको 80 के स्पीड पे चलाओ, तो आपको पॉसिबल होगा क्या? नहीं होगा। जो लोग ड्राइविंग जानते हो उनको मालूम है कितनी दिक्कत आएगी। तो यही फर्क यहाँ पे गिर जाता है कि छोटी रेनगन है तो 3 kg प्रेशर अचीव करना, 3 kg प्रेशर मिलना ये आसान हो जाता है, लेकिन बड़ी रेनगन है तो आपको वो प्रेशर जल्दी से नहीं मिलता है, या मिलने के लिए आपके पाइपलाइन में उतना ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो चलो आज की वीडियो चालू करते हैं। यहाँ पे देखो मैं आपको रेनगन दिखा रहा हूँ, यह रेनगन मैं आज आपको बेसिक्स बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ कि यह रेनगन पूरी गोलाकार में भी घूम सकती है, लेकिन वीडियो बनाने में आसानी हो इसके लिए इसको हम एक डिग्री में ही घुमाते हैं। और ये जो डिग्री में घुमाने की यहाँ पे जो दो नॉब दिए हैं, इसका फायदा क्या होता है कि कई किसान मतलब सभी किसान भाइयों के खेत चौरस में आयताकृति में होते हैं, तो वही खेत में अगर उनको सिंचाई करनी है रेनगन के माध्यम से, तो रेनगन तो सिर्फ गोलाकार में पानी मारती है, रेनगन तो सिर्फ गोलाकार में पानी मारती है, तो क्या हो जाता है कि फिर आपके खेतों के जो कोने हैं वो बच जाएंगे, या आपने अगर वहाँ पे रेनगन लगवाई तो आजू बाजू के खेतों में पानी जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो इसी के लिए यह रेनगन को हमने सुविधा दी है कि यह रेनगन 0 डिग्री से 360 डिग्री तक जितना आप चाहे उतना आप घुमा सकते हो। दूसरी चीज कि कई किसान भाइयों के मन में सवाल आता है कि भाई ये रेनगन से जो पानी की बूंद आती है वो बड़ी आती है, जिसकी वजह से फिर फसल को मार बैठती है क्या। तो इसके ऊपर हमने कई सारे वीडियो बनाए हैं, वह वीडियो की लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन इनबॉक्स में दे दूंगा ऊपर, वहाँ से वो वीडियो देखिए कि कोई भी मतलब किसी भी प्रकार से यह रेनगन का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके फसल को मार नहीं बैठती है। तो भी अभी सारांश में बता देता हूँ कि हमने क्या किया है कि जो पानी निकलने वाले 2 जेट है, ये दोनों जेट के सामने यहाँ से एक पानी निकलता है, यहाँ से एक पानी निकलता है, तो दोनों जेट के सामने हमने विशेष प्रकार के डिज़ाइन किए हुए स्क्रू लगवाए हैं। तो ये स्क्रू क्या करते हैं कि आपके पानी का जो मेन फोर्स है वो पहले स्क्रू पे जाएगा
और फिर आगे उसको ऐसा कट के फिर आपके पौधों पे जाएगा। तो इससे दो फायदे होते हैं, एक तो आपके पानी की बूंद छोटी हो जाती है, और दूसरा क्या होता है कि पानी एक ही जगह नहीं गिरता है, वो फेर के गिरता है। तो यह जो दोनों जो स्क्रू है, इसको आप ऊपर नीचे करके यह डिसाइड कर सकते हैं कि आपको पानी कितना काटना है, कितने एरिया में उसको फैला के गिराना है। और मान लो ऐसी कोई फसल है कि जो ज़्यादा सेंसिटिव है, तो आप इसको पूरा ऊपर करके रखेंगे तो पानी बहुत ज़्यादा काटा जाता है, उसके वजह से जैसे बारिश होती है वैसे ही बारिश होगी यह रेनगन से, और आपके फसल को कोई भी नुकसान नहीं होगा। और अभी यह जो ये है रेनगन, यह एक इम्पैक्ट प्रकार की रेनगन है, मतलब ये गोलाकार में जो घूमती है, तो ये जो फ्लैप है इसके वजह से घूमती है। ये देखिए, मैं जैसे भी ये फ्लैप चला रहा हूँ तो थोड़ी थोड़ी आगे निकल रही है, तो इसके वजह से इसमें मेंटेनेंस बहुत कम है, क्योंकि इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रिकल पार्ट नहीं है, ये पूरी की पूरी मैकेनिकल है। इसके वजह से इसमें कोई भी ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं है। इसमें जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे अलग अलग धातुओं का इस्तेमाल किया है, जैसे कि कुछ पार्ट इसमें गन मेटल के है, कुछ एल्यूमिनियम के है, और कुछ प्लास्टिक के है। तो ये आज से नहीं, पिछले 10-15 साल से तो मैं बेच रहा हूँ ये रेनगन, मतलब 100 में से एक रेनगन की कंप्लेंट आती है। वो भी क्यों आती है, जब कोई किसान भाई के हाथ से गलती से रेनगन गिर जाती है, अभी गिरने के बाद अगर मिट्टी में गिरी तो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो पत्थर पे गिरती है, कुछ उसमें टूट-फूट हो जाती है। तो ये सारे के सारे स्पेयर पार्ट इसके उपलब्ध है। इसको लगवाने के लिए इस प्रकार का हम स्टैंड देते हैं, इसको 3 पेयर रहते हैं, इसके वजह से ये पूरा कॉन्स्टेंट रहता है। मैं कैमरामैन भाई साहब को रिक्वेस्ट करूँगा, थोड़ा नीचे लीजिए कि नीचे ये जो स्टैंड है इसके जो पेयर है, यहाँ पर हमने एक डिश जैसी यहाँ पे वेल्डिंग करके दी है, तो इससे क्या हो जाता है कि जब मिट्टी गिरी हो जाती है तो यहाँ पे सपोर्ट ज़्यादा हो जाता है, और उसके वजह से वो स्टैंड जल्दी गिरता नहीं है। और यहाँ पे देखिए, हमने आपको फ्लेक्सिबल पाइप के ऊपर जोड़ के दिखाया है, तो इसकी जोड़नी भी बहुत आसान है। अभी कुछ मैंने यूट्यूबर भाई का वीडियो देखा था, उसमें वो भाई ने बोला था कि यह रेनगन को LDPE पाइप के साथ जोड़ना आसान है या जोड़ना चाहिए। देखो जिस उसमें उन्होंने क्या बोला था कि LDPE पाइप सस्ता मिलता है PVC पाइप से, तो यहाँ पे मैं उनको थोड़ा, वो अगर यह वीडियो देखेंगे तो बताना चाहूँगा कि वो गलत है, कभी भी PVC पाइप सस्ता रहता है LDPE पाइप के तुलना में। लेकिन भारत में ऐसे कई इलाके हैं कि जहाँ पे LDPE पाइप आसानी से उपलब्ध है किसान भाइयों के पास, तो अगर आपके पास LDPE पाइप है, PVC पाइप है, तो आप उस पाइप के ऊपर इसको चरा सकते हैं। अगर आपको इस तरीके का फ्लेक्सिबल पाइप चाहिए, देखो ये पूरा फ्लेक्सिबल पाइप है, मैं ये देखो मैं जैसे दबा रहा हूँ वैसे वो रेनगन पानी इधर छोड़ रही है, तो ये पूरा फ्लेक्सिबल पाइप है। इससे क्या हो जाता है किसान भाइयों को कि उनके खेत में कहीं ना कहीं जो पिलर मतलब पाइपलाइन में कैसा रहता है कि पाइपलाइन ज़्यादा तो तौर पे किसान भाइयों में ज़मीन में की रहती है और कुछ जगह पे उसको कनेक्शन निकाला रहता है, तो वहाँ से अगर ये 120 फीट का पाइप आता है तो वो कनेक्शन से गोलाकार में अगर ये ऐसा घुमाया रेनगन तो बहुत बड़ा एरिया कवर हो जाता है। तो फ्लेक्सिबल पाइप की ये मतलब फ़ायदा है जो किसान भाई ले रहे हैं। तो अगर आपके पास पुराना कुछ पाइप है तो आप उसके ऊपर रेनगन चलाइए, अगर आपके पास पुराना पाइप नहीं है तो फिर आप फ्लेक्सिबल पाइप खरीदें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसको सिर्फ कोई विशिष्ट प्रकार के पाइप पे ही चला सकते हैं, आपके पास जो भी पाइप है उसके ऊपर आप इसको चला सकते हैं। उसको जोड़ने के लिए सारी की सारी अटैचमेंट हमारी टीम आपको देगी। यहाँ पे देखिए, हमने सिर्फ क्लैंप और होसनेपल के सहाय से ये जो फ्लेक्सिबल पाइप है ये इसको जोड़ा है। तो यहाँ पे एक होसनेपल है, दो क्लैंप है, और एल्बो लगवा के ये स्टैंड को हमने जोड़ा है। तो इस प्रकार से आप इसको जोड़ सकते हैं। तो यह स्टैंड है, देखो यहाँ पे एक प्रेशर मीटर लगवाने की भी सुविधा हमने दी है। कई सारे कंपनियाँ रेनगन अभी बेच रही है, स्टैंड भी बेच रही है, लेकिन एक ये है कि भाई कल अगर कुछ दिक्कत होती तो यहाँ के यहाँ पता चलना चाहिए क्यों 2-व्हीलर या 4-व्हीलर को ड्राइवर के सामने स्पीडोमीटर दिया रहता है लोगों ने, कंपनियों ने, क्योंकि वहाँ के वहाँ पता चले कि क्या है क्या नहीं है। तो वैसे हमने भी यहाँ पे ये प्रावधान दिया है कि आप यही देख सकते हो कि आपके रेनगन को प्रेशर मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो आपको आसानी हो जाती है। तो मुझे लगता है कि मैंने आज आपको जो रेनगन के बारे में जानकारी देनी चाहिए वो आपको पसंद आई होंगी। अभी मैं आपको लाइव वीडियो भी दिखाता हूँ, आप मैं रिक्वेस्ट करूँगा एक बार चालू करो, कैमरामैन भाई साहब आप रेनगन दिखाओ। अभी यह रेनगन हमारे यहाँ जो 5 HP की मोटर है
उसके ऊपर चलेगी। और जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको बोला था कि एक वीडियो बनाने के लिए आसानी हो जाए, इसके लिए इसको हमने लॉक करके रखी है, नहीं तो बाजू में रास्ता है, रास्ते पे थोड़ा पानी जाएगा, इधर हमारी कंपनी है तो कंपनी में भी पानी जा सकता है, इसके लिए इसको एक ठराविक पोजीशन पे ही लॉक किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि कैसे रेंगन काम कर रही है, मैं थोड़ा जूम करके भी दिखाऊंगा आपको। ये रेंगन 160-170 फीट के गोलाकार में पानी देती है। इसके पहले कई वीडियो में हमने आपको बोला है कि कोई भी इरिगेशन टेक्नोलॉजी हो उसमें आपने बाईपास निकालना ज़रूरी है, तो हमने भी यहाँ पे बाईपास निकाल के रखा है। और मैंने आपको वीडियो में जो बताया था कि यहाँ पे दो प्रकार के नोजर है, मैं आपको वो भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो दोनों प्रकार के जो नोजर है उसके सामने एक रेनगन विशिष्ट प्रकार का डिज़ाइन किया हुआ स्क्रू लगवाया है, तो उससे ये पानी काटा जाता है, उसके वजह से आपको फसल को कोई भी मार नहीं बैठती है। तो आप देख पाएंगे कि जैसे बारिश गिरती है वैसे ही यह रेनगन काम करती है, कोई भी मोटर हो आपके पास उसके ऊपर यह काम कर सकती है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होंगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और यह वीडियो बाकी भी किसान भाइयों तक पहुंचाने के लिए यह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।